शिव पुराण के यह उपाय बदल देंगे आपकी जिंदगी। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। इस महापुराण में मनुष्यों के समाधान के लिए कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। कोई भक्त यदि शिव भोलेनाथ को सच्चे मन से याद करता है तो उन्हें भगवान शिव की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं शिव पुराण में धन प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के क्या क्या उपाय बताए गए हैं। नंबर एक, ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल करने के लिए हर सोमवार शिव जी का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नंबर दो, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। नंबर तीन, शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर चार, शिव पुराण के अनुसार विवाह इच्छुक जातकों के लिए शिव पुराण में एक उपाय बताया है। शिव पुराण के अनुसार बेला के फूल से अविवाहित जातक हर रोज भगवान शिव की पूजा करें तो उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। वहीं जूही के फूल से पूजा करने पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर पाँच, शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे प्रतिदिन गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। नंबर छः, अगर कोई व्यक्ति टीबी रोग से पीड़ित है तो उसे शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए। नंबर सात, जल में जौ मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। नंबर आठ, भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र या फिर जनेऊ अर्पित करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है और नए अवसर की भी प्राप्ति होती है। नंबर नौ, शिवलिंग पर आग के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर दस, धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो हर सोमवार को बैल को चारा खिलाएं और शिव मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। जाप रुद्राक्ष की माला से ही करें। नंबर ग्यारह, सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए, इससे सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नंबर बारह, शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपूर्ण सुख आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर तेरह, शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर चौदह, सोमवार या किसी ऐसे दिन जो शिव जी को समर्पित हो, अगर किसी अनाथ आश्रम में दान कर जरूरतमंदों की मदद की जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। नंबर पंद्रह, शिव पुराण के अनुसार शिव पार्वती की पूजा करने से शादी की रुकावट दूर हो जाती है और शादी जल्दी हो जाती है। नंबर 16, सावन में रोज 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नंबर 17, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर अर्पित करने से बच्चा पढ़ाई में होशियार बनता है और उसका दिमाग तेज बनता है। नंबर 18, शमी के पेड़ के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने और शिव पूजा करने से जीवन में दुखों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। नंबर 19, शिव पुराण के अनुसार गेहूं से बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। गेहूं से बने पकवान से भगवान शिव की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है। नंबर 20, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर मूंग अर्पित करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 21, अगर आप वाहन सुख चाहते हैं तो शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। नंबर 22, शिव पुराण के अनुसार सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर धतूरे के फूल अर्पित करने चाहिए। नंबर 23, शिव पुराण के अनुसार 5 सोमवार तक पशुपतिनाथ के व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 24, सावन में गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। नंबर 25, सावन में किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक यह काम करें मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें, यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।